यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसके अंदर पूछा है कि कौन जो एक्स है उसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है उसके अंदर जो डायग्राम बनाया है वो इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी, ये बनाया ई। ठीक है, ये एंगल एक दिया, ये दूसरा, ये तीसरा। ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का है, ये जो एंगल है वो 100 डिग्री का है। इसने पूछा है कि एंगल एक्स कितने डिग्री का है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमें बनाना, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो ये जितने डिग्री का है उतने ही डिग्री का एंगल हमें यहाँ पर मिलेगा, तो ये हो गया 100 डिग्री का। ठीक है, जो कि 100 डिग्री का हमको पहले दे रखा था। अब ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास, तो इसके ऊपर जो उतना भी कोण बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। अंदर के साइड में हम देखें तो ये बन जाएगा 60 डिग्री का, अंदर के साइड में इधर देखें तो ये बन जाएगा 80 डिग्री का। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, कोण ई। ठीक है, कोण बी त्रिभुज कौन से में, ठीक है, हम निकाल लेते हैं कि ट्राइंगल हमारे पास है बी ई और ये एक हम पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं नया एफ। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास ट्राइंगल बी ई एफ में टोटल कोण होने चाहिए कितने, 180 डिग्री के कुल कोण। कोण ई निकालना है हमें, कोण बी हमको मालूम है, कोण एफ भी हम लोगों ने निकाल लिया है अभी अभी, सबको 180 करना है। कोण ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो इसलिए ऐसे को ऐसे रखो, बी वाला रख दो 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180, दोनों को ऐड करो। ठीक है, 140 इसमें से लेस कर देते हैं तो एंगल ई इज इक्वल टू 180 माइनस, ठीक है, 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहाँ पे जो कोण ये है, एक्स की वैल्यू जो है कोण ई की, ये आ जाएगी हमारे पास कितने डिग्री की, तो ये आ गई हमारे पास 40 डिग्री की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर लेंगे। तो आंसर आ गया इसका 40 डिग्री।